एंड फाइनली दोस्तों DGCA यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इंडिया में ड्रोन्स उड़ाने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस था उसको अपडेट किया है 8 जून 2020 को। एंड अकॉर्डिंग टू इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, फ्लाइंग ड्रोन इज लीगल इन इंडिया नाउ। आजकल ड्रोन्स को उड़ाना बहुत मज़ेदार काम होता है दोस्तों, और जो जो नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं और जो पुराने यूट्यूबर्स हैं सब अब ड्रोन से अपना वीडियो फुटेज, एरियल हो या सिनेमैटिक शॉट, वो अपनी ड्रोन से वीडियो फुटेज को क्लिक करता है। और वैसे जो नए वीडियोग्राफर्स होते हैं वो भी ड्रोन्स का यूज़ करते हैं, और जो टिकटॉकर्स है और जो इंस्टाग्राम वाले हैं वो भी अपनी वीडियो को ड्रोन से ही क्लिक करता है। तो ड्रोन्स काफ़ी तेज़ी से इंडिया की कल्चर में पॉपुलर हो रहे हैं दोस्तों। और बात की जाए कि कुछ दिन पहले इंडिया में ड्रोन्स उड़ाना पूरा इलीगल था, पर अब जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से बदल चुका है दोस्तों। तो गाइज आज इस वीडियो में ड्रोन्स रिलेटेड जो सारे इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, इसको पूरा देखिए। जो जो इन्फो मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ दोस्तों, आप अगर उन सारे इन्फॉर्मेशन को ठीक से फॉलो करेंगे तो आप इंडिया में कहीं भी कभी भी बिना परेशानी के ड्रोन्स को उड़ा सकते हो, सिवाय नो फ्लाई जोन के। एंड दोस्तों आपके साथ मैं हूँ शोविक एंड मेरा चैनल द कैजुअल पोर्ट्रेचर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो या अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बजा लीजिए, यानी कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम वीडियोज अपलोड करते हैं। तो एंड दोस्तों रूल्स के सबसे पहले जान लेते हैं ड्रोन्स की कैटेगरी के बारे में। इंडियन मार्केट में जो ड्रोन्स अवेलेबल है उसका हर एक का वेट अलग अलग है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ड्रोन्स की कैटेगरी को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है दोस्तों। सबसे पहले जो आता है वो है नैनो कैटेगरी। 0 से 250 ग्राम का जो ड्रोन्स मार्केट में अवेलेबल है वो आता है नैनो कैटेगरी में। नंबर 2 में आता है माइक्रो कैटेगरी, मतलब 250 ग्राम से 2 kg तक जो ड्रोन्स मार्केट में अवेलेबल है वो आता है माइक्रो कैटेगरी में। नंबर 3 में आता है स्मॉल कैटेगरी, 2 kg से 25 kg तक जो ड्रोन्स मार्केट में अवेलेबल है वो आता है स्मॉल कैटेगरी में। एंड नंबर 4 में आता है मीडियम कैटेगरी, यानी कि 25 kg से 150 kg तक जो ड्रोन्स है वो होता है मीडियम कैटेगरी के अंदर। एंड दोस्तों लास्ट यानी कि नंबर 5 में जो कैटेगरी आता है वो है लार्ज कैटेगरी, ग्रेटर देन 150 kg। एंड दोस्तों 13 जनवरी 2020 को द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक नया पब्लिक नोटिस पेश किया था, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि 31 जनवरी तक, यानी कि 13 जनवरी से 31 जनवरी तक सारे ड्रोन्स एंड ड्रोन्स ओनर को रजिस्टर करना होगा, सिवाय उस नैनो कैटेगरी के जिसका वेट 250 ग्राम के कम है। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जिसका नाम है डिजिटल स्काई, और इस डिजिटल स्काई के जरिए सारे जो ड्रोन्स ओनर होते हैं वो बिल्कुल आसानी से अपने ड्रोन्स को रजिस्टर कर सके, इसलिए गवर्नमेंट ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। पर दोस्तों ये जो पोर्टल है वो काफ़ी स्लो था और रिस्पॉन्सिव भी उतना नहीं था, तो इसलिए गवर्नमेंट ने 8 जून 2020 को एक नया रूल्स ले आया। पहले वाला जो रूल्स था उसको बहुत से अपडेट किया यूज़र्स की सुविधाओं के लिए। और नया नोटिस में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि 8 जून के बाद जो ड्रोन्स ओनर है और जो ड्रोन्स इंडिया में के मार्केट में है उस सारे ड्रोन्स को रजिस्टर करना होगा, चाहे ये टॉय कैटेगरी के हो या नैनो कैटेगरी की। उसके साथ साथ नया नोटिस में एक क्लियरली इम्पॉर्टेंट नोट्स दिया गया है कि 8 जून 2020 के बाद सारे जो ड्रोन्स इंडियन मार्केट में अवेलेबल है उन सारे ड्रोन्स को रजिस्टर करना है, चाहे वो नैनो कैटेगरी की हो या टॉय कैटेगरी की। तो दोस्तों पुराने वाला जो नोटिस था उसमें आप जो नैनो कैटेगरी के ड्रोन्स होते थे उसको आप 40 फीट के ऊपर नहीं उड़ा सकते थे, पर अब जो रूल्स आया है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप अगर नैनो कैटेगरी के आपके जो ड्रोन्स है उसको रजिस्टर कर लोगे तो आप उसको 40 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ा सकते हो। और दोस्तों गवर्नमेंट ने रजिस्टर इसलिए करना मैंडेटरी किया है कि आप अगर ड्रोन्स को उड़ा रहे हो या उसका कुछ मिसयूज हुआ है तो गवर्नमेंट चाहे तो उसको ट्रैक कर सके। एंड दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आता है, गवर्नमेंट ने सारे ड्रोन्स को रजिस्टर करना मैंडेटरी क्यों किया? रजिस्टर करने के बाद आप अपने ड्रोन्स को 400 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ा सकते हो, पर प्रॉब्लम यही है कि गवर्नमेंट में रजिस्टर होने के बाद आप अगर 400 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पे ले गए हो तो गवर्नमेंट आसानी से आपको ट्रैक कर पाएंगे।
तो दोस्तों नया नोटिस के साथ साथ एक बात बिल्कुल क्लियर हो गया, आप चाहे टॉय ड्रोन का ओनर हो या माइक्रो या मिनी या नैनो, जो भी ड्रोन्स का आप ओनर हो, आपको रजिस्टर करना मैंडेटरी है। और दोस्तों डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म में ड्रोन्स को रजिस्टर करना एकदम आसान है, पर फिर भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि कैसे अपने ड्रोन्स को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म में आप रजिस्टर कर पाएंगे। और उसके साथ नो फ्लाई जोन के बारे में भी बात करेंगे, यानी कि इंडिया में कहाँ कहाँ आप ड्रोन्स को उड़ा सकते हो, कहाँ कहाँ नहीं उड़ा सकते हो, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों मेरा इस वीडियो के जरिए आपको ड्रोन्स की जो कैटेगरी होते हैं और ड्रोन्स का जो बेसिक रूल्स है उसका पूरा जानकारी मिल गया है। पर दोस्तों मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उस वीडियो में मैं आपको क्लियरली दिखाने वाला हूँ कि स्टेप बाय स्टेप ड्रोन को रजिस्टर करने का क्या प्रोसेस है। एंड दोस्तों आप अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बजा लीजिए, यानी कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों मेरा आज का एपिसोड यहीं पे हम खत्म करते हैं। कनेक्टेड रहिए मेरे चैनल से, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।